हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का चौथा पाठ, और पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यहाँ इस वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे, कविता को समझेंगे, और अंत में कविता का जो सारांश है, जो सार है, वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला तो कविता का नाम जैसे कि पहले बता दिया है आपको, चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद आपका मून है, और थोड़ी सी मतलब कुछ, और गप्पे का मतलब है बातें। तो ये एक 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से बातें करती है। क्या बातें करती है वो हम देखते हैं, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहां बच्ची कहती है कि आप बहुत गोल हैं, आप है तो बहुत गोल, लेकिन थोड़े से तिरछे दिखते हैं। तिरछे, ये देखिए, जब भी कुछ सीधा होता है तो बिल्कुल सीधा होता है, जब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसको तिरछा कहते हैं। ये तिरछा है, ये तिरछा है। ठीक, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो जो लड़की है आसमान को चांद का कपड़ा, चांद के वस्त्र वो समझ रही है, और जो आसमान में तारे हैं उनको कहती है कि आपके कपड़ों में सितारे जड़े हुए, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब लड़की यहाँ कह रही है, जो चांद जो हमें दिखाई देता है सफेद गोल, जो आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये देखिए पूरा जो ये चांद है सामने दिखाई देता है। लड़की इसको समझती है कि ये सिर्फ चांद का मुंह है, और जो आसमान है वो चांद के कपड़े हैं, और जो सितारे हैं वो चांद के कपड़ों में लगे हुए हैं। आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों उसमें आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी बाजीवा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब जैसे कि पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा, पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि जो आसमान को लड़की चंद्रमा के कपड़े समझ रही है, क्योंकि आसमान चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो इसीलिए लड़कियां कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्मित। स्मित का जो मतलब होता है वो होता है दिशाएं, वो दिशाएं होता है। लड़की कहती है कि आप चारों दिशाओं में अपने वस्त्र फैलाए हुए हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आप उस तिरछे दिखते हैं, खूब है गोकी वह जीवा, हमको बुद्धू निरा समझा है। बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, और निरा का मतलब होता है बिल्कुल ही। अब लड़की यहाँ चंद्रमा से कहती है कि आप ने तो हमको बुद्धू ही समझा, मूर्ख समझा है, हम ऐसे मूर्ख नहीं है, हम जानते हैं कि आपको बीमारी है। चंद्रमा को क्या बीमारी है अगली पंक्तियों में जानते हैं। तो यहाँ लड़की को थोड़ा, लड़की यहाँ कहती है चंद्रमा से कि हम जानते हैं कि आपको बीमारी है, अब देखते हैं क्या बीमारी है। आगे चलते, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह है मरज आपका, अच्छा ही नहीं होने में आता। अब जैसे पिछली पंक्ति में लड़की ने बताया था कि आपको बीमारी है, तो बीमारी लड़की क्या समझ रही है कि चंद्रमा क्या होता है, पहले 15 दिन बढ़ता है और फिर बिल्कुल गोल हो जाता है, और फिर घटता घटता चल के एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो चंद्रमा के घटने और बढ़ने यानी कि चंद्रमा की कलाओं को लड़की बीमारी समझती है। यहाँ जो तो आपकी जो ये मरज, मरज का मतलब होता है बीमारी, और फिर लड़की कहती है कि आपका ये मरज यानी कि बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेते।
तो यही था, यही है छोटी सी कविता। चलिए अब हम यहाँ पर कविता का सार जान लेते हैं। तो क्या है कविता का सार, यानी कि सरल शब्दों में कविता को हम पूरा समझ लेते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछती है, पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद के घटने बढ़ने को वह एक बीमारी समझती। यही था इस कविता का सार। कुछ शब्द जैसे आए मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला या वाली, जानने की इच्छा रखने वाली। हर बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।